हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीता नर्सरी। दोस्तों देखिए, ये अमरूद का पेड़ है और अभी आपको दिखाती हूँ कि छोटे छोटे अमरूद पूरे इस पेड़ में, जितनी भी डालियाँ उसमें कम से कम एक पेड़ में 100 से ज़्यादा अमरूद छोटे छोटे आए हुए हैं। और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का अमरूद जो है तैयार होता है इस पेड़ में। और पहले मैं आपको इस पेड़ को अच्छे से दिखा देती हूँ कि इसमें बहुत सारे अमरूद आए हुए हैं और अभी गर्मी का सीज़न है तो छोटे छोटे हैं, फिर ये पक के जो है बरसात में, रेनी सीज़न में पूरे पक के तैयार हो जाएंगे खाने लायक। तो इस अमरूद के पेड़ की मैंने जो है, मुझसे बहुत लोगों ने इसकी एक पौध तैयार करने को कहा है, तो मुझे ये इसकी पौध बनाने के लिए, देखिए मैंने इसकी एयर लेयरिंग तैयार करके रखी हुई है। अब रेनी सीज़न आने के बाद मैं इस रेनी सीज़न में इसको यहाँ से कट करके जो है पॉट में रिपॉट करूँगी, नहीं तो फिर ज़मीन में लगाऊँगी। और मैं इसको आपको पास से दिखाती हूँ कि देखिए इसमें कितने सारे रूट्स आ गए हैं। ये देखिए यहाँ रूट्स है, ये देखिए पास से कितने सारे रूट्स आए हैं। और मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगी और सिखाऊंगी भी कि मैंने जो है इसकी एयर लेयरिंग किस टाइप से की। देखिए सब तरफ ये रूट्स आए हैं। अभी मैं इसको खोलूंगी नहीं, मैं बारिश के दिनों का इंतजार कर रही हूँ। इन दिनों समर चल रहा है तो गर्मी की वजह से अगर मैं इसको लगाऊंगी तो ये जो है मरने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए मैं अभी रेनी सीजन का इंतजार कर रही हूँ। अगर बारिश के दिनों में एक मंथ के बाद जो है मैं इसको यहाँ से कट करके और रिपॉट करूँगी। और मेरा ये छोटा सा ही, देखिए इसमें भी जिस डंडी की मैंने एयर लेयरिंग करी है उसमें भी आप देख सकते हैं कि अमरूद लगे हुए हैं। ये देखिए ये वाली डंडी की हमने जो है यहाँ से कट करके यहाँ एयर लेयरिंग करी है और इसी ब्रांच में देखिए कि अमरूद लगे हुए हैं। तो ये छोटी सी ही यहाँ से डंडी को, ब्रांच को काट के जब मैं लगा दूँगी तो छोटे से ही पौध में जो है बहुत सारे फ्रूट्स आने लग जाएंगे नेक्स्ट ईयर तक। तो मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी कि मैंने एयर लेयरिंग किस टाइप से की और मेरा 100% जो है सक्सेसफुल एयर लेयरिंग हुआ है और ये पौधा जो है तैयार हो गया और इसको बस मेरे को काट के और रिपॉट करना है। तो आप लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना कि मैंने एयर लेयरिंग इस गुआवा ट्री में कैसे किया है। और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का शुक्रिया। और मेरे वीडियो को जो नया देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।